भाई साहब कल की फिल्म ने बॉक्स पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके चमत्कार कर दिया कल की फिल्म को इन सिनेमा में रिलीज हुए हिस्टोरिकल अनबिलीबल अच्छे प्रदर्शन से सोलह दिन कम्प्लीट होने वाले बात करेंगे कल की फिल्म ने पहले दिन से लेकर सोलह दिनों का इंडिया की सारी भाषाओं में वर्ल्ड वाइड बॉक्स पर कितने कमाई की है दोस्तों कल की फिल्म ने कितने दिनों के अंदर दुनिया भर के बॉक्स पर हज़ार करोड़ का नंबर क्रॉस करके के जी जवान पठान इन मूवीज़ के रिकॉर्ड को तोड़ पाई या नहीं तोड़ पाई है वैसे आपको पता आज अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा रिलीज़ हो चुकी है और कमल हसन की इंडियन टू मूवी भी रिलीज़ हो चुकी है स्किंस डिवाइड हो चुकी हैं लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि अक्षय कुमार की सरफिरा फिल्म को अच्छी ओपनिंग नहीं मिली है पब्लिक ने सरफिरा ठुकरा कर रख दिया है है और ये बात सच आज कुमार की फिल्म से कम हिंदी बेल्ट में कमाई कर रही है दोस्तों बात कलकी की मेरे को को अच्छी लगती कि पब्लिक ने फिल्म हिंदी बेल्ट में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है वहीं पर कल फिल्म तेलुगु में हमको लगातार स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है दोस्तों बात करेंगे कल फिल्म के कलेक्शन के बारे में कल फिल्म के बॉक्स रिकॉर्ड्स के बारे में तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली आप लोग इस वीडियो के साथ बनी रहेगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी

में पहले चार दिनों का दर हिंदी बलट में एक सौ बारह करोड़ की कमाई करके दुनिया भर के बॉक्स पे 555 सौ पचपन करोड़ की कमाई की थी वहीं पे कल की फिल्म का पहला वीक आठ दिन का था कल की फिल्म ने पहले आठ दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में एक करोड़ की कमाई करके तेलुगु में दो करोड़ की कमाई की तमिल में तेईस करोड़ की और मलयालम में सत्रह करोड़ की कमाई करके कल की फिल्म डे एट को इंडिया की सारी भाषाओं में ऑल इंडिया में चार करोड़ की कमाई करके इंडिया ग्रोथ सुलक्षण में पाँच करोड़ की कमाई की ओबर्स मार्केट में रिकॉर्ड करोड़ दो करोड़ की कमाई करके वर्ल्ड वर्ल्ड बॉक्स पे सात करोड़ की कमाई करके चमत्कार कर दिया कल की फिल्म दो सौ डे नाइन को वर्ल्ड बॉक्स पे छत्तीस करोड़ की कमाई की थी डे टेन को इकसठ करोड़ की कमाई की थी

तमिल में साठ लाख रुपए का कलेक्शन करने में सफल हो पाई थी जबकि मलयालम में चालीस लाख रुपए की कमाई की और करना से सात लाख सलेक्शन में दस करोड़ दस लाख की कमाई की कल की फिल्म कोवर्स मार्केट में फाइनल तीन करोड़ पचास लाख रुपए की कमाई करके वॉल्यूड बॉक्स पे तेरह करोड़ साठ लाख रुपए की कमाई की अब कल की फिल्म का दूसरा वीक भी डे पंद्रह कंप्लीट हो गया कल की फिल्म में दूसरे वीक के अंदर हिंदी वैल्ट में पचहत्तर करोड़ की कमाई की कल की फिल्म ने पहले वीक के अंदर हिंदी वैल्ट में पहले आठ दिनों के अंदर हिंदी वैल्ट में एक करोड़ की कमाई की थी जबकि कल की फिल्म ने डी नाइन से लेकर डे पंद्रह तक यानी इन सात दिनों के अंदर हिंदी वैल्ट में पचहत्तर करोड़ की कमाई की तेलुगु में पैंतालीस करोड़ की तमिल में दस करोड़ की और मलयालम में पांच करोड़ की जबकि कर्ना से दो करोड़ की कमाई हमको देखने को मिली कल की फिल्म पहले दूसरे वीक के अंदर इंडिया की सारी भाषा में एक करोड़ की कमाई की और इंडिया ग्रोथ सलेक्शन में दो करोड़ की कमाई की कल की फिल्म ने दूसरे वीक के अंदर

रिलीज किया गया जबकि कमल हसन की इंडियन रूक को पंद्रह सौ के ऊपर रिलीज किया गया है और कल की फिल्म के पास आज केवल पंद्रह सौ स्की बची है यह बात सच है कि कल की फिल्म के पास आज स्किन पंद्रह सौ है लेकिन दोस्तों हो सकता है अक्षय कुमार की फिल्म पब्लिक को पसंद नहीं आ रही कल कल की फिल्म के पास पूरे दो हज़ार स्कीन से लेकर पच्चीस सौ स्क्रीन होगी और कल की फिल्म जो आने वाले सैटरडे संडे को और भी अच्छी कमाई कर पाएगी दोस्तों कल की फिल्म डे सोलह को हिंदी बेल्ट में तीन करोड़ की कमाई करेगी तेलुगु में एक करोड़ साठ लाख रुपए की तमिल में पैंतालीस लाख रुपए की और मलयालम में पूरे कल की फिल्म जो है लगभग पैंतीस लाख रुपए का कलेक्शन करेगी कल की फिल्म डे सोलह इंडिया की सारी भाषा में पांच करोड़ चालीस लाख रुपए की कमाई करके इंडिया ग्रोथ कलेक्शन में सात करोड़ दस लाख रुपए की कमाई करेगी और ओवर्स मार्केट में तीन करोड़ की कमाई करके प्रभास की कल की फिल्म दोस्तों डे सोलह को दुनिया भर के बॉक्स पे दस करोड़ दस लाख रुपए का कलेक्शन करने में सबरो पाई है दोस्तों ये थी कल की फिल्म के डे सोलह की बॉक्स कलेक्शन रिपोर्ट लेकिन दोस्तों कल की फिल्म डे सत्रह को दुनिया भर के बॉक्स पे बीस करोड़ की कमाई करेगी डे अठारह को यानी तीसरे संडे को तीस पैंतीस करोड़ का कलेक्शन पक्का करेगी

कल की फिल्म दोस्तों सोलह दिनों के अंदर करना से नौ करोड़ कमाई करते होंगे कर नजर आ रही है और कल की फिल्म ने सोलह दिनों के अंदर इंडिया की सारी भाषाओं में जो है पाँच सौ अट्ठासी करोड़ की कमाई की है कल की फिल्म सोलह दिनों के अंदर इंडिया ग्रोथ सलेक्शन में सात सौ अट्ठावन करोड़ की कमाई करके ओवर्स मार्केट में दो सौ पैंतालीस करोड़ की कमाई करके सुपरस्टार प्रभास की कल की फिल्म सोलह दिनों के अंदर दुनिया भर के बॉक्स पे एक हज़ार दो करोड़ की कमाई कर चुकी है दोस्तों कल की फिल्म ने तो पंद्रह दिनों के अंदर ही वॉलीवुड बॉक्स पे हज़ार करोड़ का नंबर क्रॉस कर दिया था लेकिन मेरा कलेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है ये ओरिजिनल कलेक्शन है लेकिन मेकर के द्वारा हमको कलेक्शन ज्यादा दिखाया जा रहा है मेकर के द्वारा कल की फिल्म सोलह दिनों के अंदर वॉलीवुड बॉक्स पे एक हजार पंद्रह करोड़ की कमाई कर रही है लेकिन जो ओरिजिनल कलेक्शन है वो यही है कि कल की फिल्म ने सोलह दिनों के अंदर हजार करोड़ का नंबर क्रास किया है लेकिन दोस्तों हमको ये रिपोर्ट देखने को मिली सुपर स्टार प्रभास की कल की फिल्म में पंद्रह दिनों के अंदर दुनिया भर के बॉक्स पर हजार करोड़ से ऊपर कमाई कर डाली है जबकि प्रभास की भावी टू ने दस दिनों के अंदर वालीवुड बॉक्स पर हजार करोड़ की कमाई की थी के जीफ टू ने सोलह दिनों के अंदर ट्रिपल आर मूवी ने सोलह दिन लगाए थे दुनिया के बॉक्स पर हजार करोड़ से ऊपर कमाई करने के लिए जवान ने अठारह दिनों के अंदर हजार करोड़ का नंबर क्रॉस किया जबकि पठान ने सताइस दिनों के अंदर वर्ल्ड बॉक्स हज़ार करोड़ से ऊपर कमाई की थी जबकि कल की फिल्म ने अगर पंद्रह दिनों के अंदर दुनिया भर के बॉक्स पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके हजार करोड़ का नंबर क्रॉस करके जवान पठान के जी एफ टू ट्रिपल आर मूवी का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया है तो फिर प्रवास की कल की फिल्म को लाइफ टाइम में वर्ल्ड बॉक्स पर तेरह सौ करोड़ की कमाई करके के जी एफ का लाइफ टाइम वर्ल्ड बॉक्स पर एक हजार बारह सौ पचास करोड़ की कमाई करने का रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए ट्रिपल आर मुख्य

अगर कल की फिल्म का तीसरे या चौथे सचर सं को कलेक्शन गिर जाता है तो कल की फिल्म बॉक्स पे स्पेशली स्ट्रगल करेगी और कल की फिल्म कभी भी केजीएफ टू जवान पठान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी वेल well, दोस्तों आप लोग अपना ओपिनियन कॉमर्स सेक्शन जुड़ा है कल की फिल्म लाइव टू बॉक्स पर कितनी कमाई करेगी इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी वो हंड्रेड परसेंट ऑडियो बॉक्स से अप्रूव शुदा लिस्ट मैंने आपको दिखाई है आपसे एक छोटी सी विनती है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी आपके लिए कुछ खास तब तक गुड बाय टेक केयर स्टे होम स्टे सेफ